हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। एएमयू सेल्फ फाइनेंस 2021-2022 सेशन का फॉर्म आ गया है और जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं सेल्फ फाइनेंस का, वो अप्लाई कर सकते हैं। वो जो अप्लाई करना चाहते हैं उनको यहां से अप्लाई करना है। आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू क्लास 11th अंडर SFS, यहां पे जा करके आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो इसके बारे में डिटेल्ड दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, दो नोटिफिकेशन है इसके लिए, नोटिफिकेशन फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट, नोटिफिकेशन फॉर इंटरनल कैंडिडेट, ठीक है। तो और इसमें एक और चीज़, जो सीट्स है टोटल सीट्स का 80% इंटरनल के लिए रिजर्व्ड है और 20% एक्सटर्नल के लिए। जाहिर सी बात है जब 80% इंटरनल के लिए तो 20, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है द एडमिशन अगेंस्ट 80% ऑफ द इनटेक अंडर सेल्फ फाइनेंस स्कीम। ये इंटरनल का है, 80% सीट इनके लिए रिजर्व है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो नॉर्मल रेगुलर कोर्स के लिए वही है, 19 ईयर या जो भी है उसमें आप देख सकते हैं मेन गाइड में जाकर के। उसके बाद दूसरा क्या क्राइटेरिया है कि कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड इन द एडमिशन टेस्ट ऑफ SSSC साइंस सिस्टम, यानी कि जो अभी 2021-2022 सेशन का जो टेस्ट हुआ था वो जो टेस्ट दिया होगा वही सिर्फ अप्लाई कर सकता है। जो सिर्फ डिप्लोमा का दिया होगा वो नहीं अप्लाई कर सकता, यानी कि जो साइंस स्ट्रीम का टेस्ट दिया होगा वो अप्लाई कर सकता है। दोनों का टेस्ट सेम ही होता है। उसके बाद एक और यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं, इफ ए कैंडिडेट हैड बीन ऑफर्ड एडमिशन टू SSSC साइंस स्ट्रीम इन रेगुलर मोड देन ही या सी शैल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन, यानी कि जिसको भी रेगुलर मोड में ऑफर किया गया एडमिशन उसको यहाँ पे एडमिशन नहीं दिया जाएगा। सेम चीज आप कॉमर्स ह्यूमैनिटीज के लिए भी है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हॉस्टल एकोमोडेशन की, हॉस्टल एकोमोडेशन नहीं मिलता है इसमें, ठीक है, सेल्फ फाइनेंस में। और फीस जो है 25,000 है, 25,000 सेल्फ फाइनेंस की। कंडक्ट ऑफ क्लासेस जो है आफ्टरनून में चलती हैं। और आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, फॉर्म जो है आपको मैंने बता दिया, फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। एएमयू कंट्रोलर की जब वेबसाइट ओपन करेंगे aemucontrolerexams.com, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। और यहाँ जो ये जो फॉर्म है ये 11 जनवरी के पहले आपको फिल करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए 11 जनवरी 2022 के पहले आपको फिल करना है, ठीक है। और आप जब फिल करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे एडमिशन लिस्ट जनरेट हो जाएगी, जब भी मतलब आएगा तो आपको इसी वेबसाइट पे दिखाया जाएगा, ठीक है। और दूसरी जो नोटिफिकेशन है वो हम देख लेते हैं, वो क्या दिया हुआ है एक्सटर्नल कैंडिडेट का। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सटर्नल कैंडिडेट का इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें यही दिया हुआ है इन परसेंस ऑफ रेजोल्यूशन नंबर 20 ऑफ द एकेडमिक काउंसिल मोड एट इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन, इतना और ये सब दिया हुआ है। इसके बाद में देखिए द एडमिशन अगेंस्ट 20%, यानी कि जो टोटल सीट्स है उसका 20% एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है जो अभी मैंने बताया, ठीक है। और उसके बाद जो है और टेस्ट में मतलब अपियर होना जरूरी है 2021-2022 सेशन का। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्टूडेंट 2021-2022 सेशन का टेस्ट दिया है वही सिर्फ अप्लाई कर सकता है। और यहाँ पे एक और चीज जो दिया हुआ है, मस्ट हैव मिनिमम 15% मार्क्स इन द टेस्ट, यानी कि 15% मार्क्स कम से कम होने चाहिए। ये एक्सटर्नल कैंडिडेट का है, ठीक है। और इंटरनल का क्या था, इंटरनल का भी देख लेते हैं कि 15% वाला है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक सेकेंड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ए यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 15% जो नंबर है वो एक्सटर्नल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। इंटरनल कैंडिडेट में 15% जो ये मार्क्स वाला है वो नहीं दिया हुआ है, तो ये इंटरनल का है, इंटरनल, हाँ। तो एक्सटर्नल के लिए 15% मार्क्स जो है वो, यानी कि कम से कम 15 मार्क्स होने चाहिए 100 में, ठीक है। उसके बाद कोई भी जो है किसी भी स्टूडेंट्स को रेगुलर मोड में एडमिशन नहीं ऑफर किया गया हो इस साल, अगर ऑफर किया गया होगा तो उसको नहीं मिल सकता है। सेम चीज आप देख सकते हैं कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए भी दिया हुआ है, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए 15% मार्क्स होने चाहिए टेस्ट के अंदर। हॉस्टल एकोमोडेशन जाहिर सी बात है नहीं मिलेगा, अभी मैंने बता दिया। फीस 25,000 है, कंडक्ट ऑफ क्लासेस आफ्टरनून, और बाकी ये जो मैंने बताया ये सेम वही है जो मैंने अभी इंटरनल के लिए बताया, ठीक है। और 11 जनवरी से आपको पहले फिल करना है, तो ठीक है स्टूडेंट्स। अगर किसी को कोई भी डाउट होता है तो वो से कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो 11 जनवरी के पहले फॉर्म फिल कर लें, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।